हेलो एवरीवन, तो आज देखते हैं बीबी ग्लो ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर। ये प्रोसीजर मैं पहले भी अपने क्लाइंट के ऊपर बहुत बार कर चुकी हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। तो आज मैं इस ट्रीटमेंट को कर रही हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी स्किन जो है वो काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन इनका जो टेम्पल एरिया है वो थोड़ा डार्क है, क्योंकि ये स्पेक्स लगाते हैं। इन्हें थोड़े बहुत जो है रिंकल्स है, और थोड़ी सी इनकी जो स्किन है वो अनइवन टोन में है, यानी कि कहीं पर डार्क है कहीं पर लाइट है। तो आइए बीबी ग्लो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल और डिस्क्रिप्शन के साथ। सो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर क्लेंजिंग। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रीकास्ट का सैलिसिलिक एसिड 2% का क्लेंजर। ये जेल फॉर्म में है। यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप कोई स्किन ट्रीटमेंट करते हो, एंड स्पेशली जब आप माइक्रो नीडलिंग करते हो या बीबी ग्लो ट्रीटमेंट करते हो, तो आप जेल फॉर्म के ही प्रोडक्ट यूज़ कीजिए क्लेंजिंग और स्क्रबिंग के लिए। आप क्रीम फॉर्म में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि क्रीम जो होता है वो हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है, वो जाके हमारे पोर्स के अंदर भर जाता है, जिससे कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं होता। तो जब भी आप कोई स्किन की ट्रीटमेंट्स करते हो, मेक श्योर कि आप जेल फॉर्म के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। तो हमें 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करना है। हमें हर उस एरिया को कवर करना है जहाँ पर हम बीबी ग्लो ट्रीटमेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेक पे भी बीबी ग्लो करने वाले हैं, तो नेक एरिया को भी कवर कीजिए। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से क्लेंजिंग कीजिए। क्लेंजिंग को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने रीकास्ट का ही एक्सफोलिएटिंग जेल यूज़ किया है। हमें यहाँ पर इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स वगैरह नहीं है, और हमें यहाँ पर वही स्क्रब यूज़ करने हैं जिसमें ग्रैन्यूल्स ना हो, क्योंकि ग्रैन्यूल्स से आपकी स्किन जो है इरिटेट हो सकती है। तो कभी भी आप अपने स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, तो उसमें ग्रैन्यूल्स वाले स्क्रब मत यूज़ कीजिए, उसे अवॉइड कीजिए। तो ये देखिए, ये जेल फॉर्म में है। ये बहुत ही अच्छा डीप क्लेंस करता है। इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फेस पे स्क्रब करना है। इसे हम स्टीम नहीं देंगे, हम अपने स्किन पे एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम बीबी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर कोई बीबी ग्लो को अपने फेशियल के साथ कंबाइन करना चाहता है, तो आप पहले फेशियल का हाफ प्रोसीजर कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें आप क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, स्टीम और एक्सट्रैक्शन, यहाँ तक के स्टेप्स पूरे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बीच में आप अपना बीबी ग्लो का पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हो, और उसके बाद आप उन्हें फेशियल मसाज दे के एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मास्क लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम इन्हें सिर्फ बीबी ग्लो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ इन्हें क्लेंजिंग किया है, और अब मैं एक्सफोलिएटिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं इन्हें स्टीम और एक्सट्रैक्शन नहीं करूँगी। सो गाइस, एक्सफोलिएशन के बाद अगर आपके क्लाइंट के फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, तो आप उन्हें स्कैल्पल या फिर फेस रेजर यूज़ करके उनके जो फेशियल हेयर है उसे रिमूव कर सकते हो। इससे उनकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, फेशियल हेयर भी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को फेस रेजर यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो हम उनके स्किन के ऊपर केमिकल पील यूज़ करेंगे, ताकि उनकी जो डेड स्किन लेयर है वो रिमूव हो जाए, और जब हम अपना डॉक्टर पेन यूज़ करें या फिर हमारे नैनो नीडल्स यूज़ करें, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए। और अगर आपने पहले कभी केमिकल पील नहीं किया है, या फिर आपको केमिकल पील की नॉलेज नहीं है, तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट को बिना केमिकल पील किए या फिर बिना फेस रेजर यूज़ किए डायरेक्टली जो है बीबी ग्लो ट्रीटमेंट कर सकते हो। और अगर आप केमिकल पील के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, या उसे सीखना चाहते हो कि उसे कैसे किया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए। उसमें मैंने एक वीडियो केमिकल पील के ऊपर बनाया है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, एंड यू कैन लर्न हाउ टू डू केमिकल पील्स ऑन योर क्लाइंट। सो गाइस, अब टाइम हो गया है केमिकल पील को क्लीन करने का। इसे हम 2 बार अच्छे से साफ पानी से क्लीन करेंगे, ताकि फेस के ऊपर बिल्कुल भी प्रोडक्ट ना रहे, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपना बीबी ग्लो ट्रीटमेंट, जिसके लिए हमें मेक श्योर करना है कि हमारा फेस बिल्कुल क्लीन हो और ड्राई हो। तो मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और पैट ड्राई कर लिया है टिश्यू पेपर से।
सो गाइज अब हमें चूज़ करना है बीबी एम्प्योर अकॉर्डिंग टू द स्किन कलर। तो इनके लिए मैंने इनके एक स्किन कलर का बीबी एम्प्योर लिया है और ये एक थोड़ा सा फेयर लिया है जिसमें पिंकिश टोन है, क्योंकि इनके जो स्किन कलर है उसमें थोड़ा सा पिंक टोन है। एज वेल एज यहाँ पर मैंने ले लिया है ये गोल्ड पेप्टाइड, जो कि हमारे स्किन हाइड्रेशन के लिए, रिंकल्स के लिए और एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो गाइज ये है हमारा माइक्रो नीडल जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट को इन्फ्यूज़ करने के लिए। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के नीडल्स आते हैं, जैसे कि 9, 12, 18, 24, 36 नीडल्स और नैनो नीडल्स। और ये है हमारा डॉक्टर पेन, इसके अंदर हमें इसे फिक्स करना होता है। तो इसे इस तरह से हम फिक्स करके ट्विस्ट करके टाइट कर लेते हैं। हमारी जो डॉक्टर पेन होती है उसके अंदर डेप्थ की सेटिंग होती है, जैसे कि 0.25 से लेके 2.5 तक की डेप्थ की सेटिंग होती है। ये सेटिंग हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन ऑफ द क्लाइंट। तो जैसे कि ये हमारे मेल क्लाइंट है, इनकी स्किन जो है वो थोड़ी थिक है, तो इनके ऊपर हम वर्क करेंगे 0.5 से लेके 0.75 या 0.1 तक भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फीमेल क्लाइंट है या जिसकी स्किन सेंसिटिव है, उसे आप सिर्फ 0.25 से लेकर 0.5 तक ही काम कीजिए। एंड इवन इफ़ यू आर अ बिगनर, आई वुड रेकमेंड कि आप 0.5 तक ही डॉक्टर पेन को यूज़ कीजिए, आप उसके ऊपर मत जाइए, वरना डेप्थ जो है ज़्यादा हो जाएगी और क्लाइंट को जो है स्किन पे हर्ट करेगा। एंड मेक श्योर कि जब कभी भी आप कोई स्किन ट्रीटमेंट करते हो तो आप ग्लव्स ज़रूर पहनिए, क्योंकि आपके हैंड्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आपके क्लाइंट के स्किन के साथ। और यहाँ हम नीडल्स यूज़ करने वाले हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी यू नो इन्फेक्शन जो है हमारे क्लाइंट को लग जाए, उनके स्किन पे लग जाए। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ सिरिंज। सिरिंज हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को अपने स्किन के ऊपर डालने के लिए। हम सिरिंज को इंजेक्ट नहीं करने वाले हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट क्लाइंट के स्किन के अंदर इंजेक्ट नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ मैं यूज़ कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट को इस तरह से लेकर अपने क्लाइंट के स्किन के ऊपर डालने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आते हैं और हमें बहुत कम क्वांटिटी में ही यूज़ करना है इसे। और दूसरी बात, ये प्रोडक्ट जो होते हैं ये बहुत ही हाईली सील्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो अगर आप इसका सील ब्रेक करते हो तो आपको 2 महीने के अंदर इस प्रोडक्ट को फिनिश करना होता है, वरना ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसे बिना सील ब्रेक किए इंजेक्शन के थ्रू और लेते हैं और इस तरह से हम अपने क्लाइंट के स्किन के ऊपर इसे डालते हैं। तो इसे मैं बिल्कुल क्लाइंट के स्किन के ऊपर इसके डॉट्स डाल रही हूँ, मैं इसे इंजेक्ट नहीं कर रही हूँ, आप बहुत ही क्लियरली इसे देख लीजिए। एंड मेक श्योर कि ये जो नीडल है ये क्लाइंट को पोक ना हो। सो गाइज डॉक्टर पेन स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है, क्योंकि इसे ड्राई स्किन पे बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपके क्लाइंट को रैशेस आ सकते हैं। इसे आप सर्कुलर मूवमेंट में कर सकते हो या फिर इससे आप स्ट्रोक भी दे सकते हो। आपको बहुत लाइट हैंड से इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स देना है और एट ए टाइम आपको एक एक एरिया कवर करना है। तो अभी मैं फोरहेड का एरिया जो है इस तरह से स्ट्रोक्स के पैटर्न में कवर करूँगी। आपको एक ही जगह पर बहुत देर तक नहीं करना है, आप पूरा फोरहेड एरिया कवर कर लीजिए और उसके बाद आप फिर से रिपीट कर सकते हो। आप 2 से 3 बार जो है रिपीट कर सकते हो। और मैंने स्टार्टिंग में जो डेप्थ रखी है डॉक्टर पेन की वो रखी है 0.25। अगर मेरे क्लाइंट को कंफर्टेबल है तो मैं इसे ग्रेजुअली बढ़ाकर 0.5 तक लेके जाऊंगी। सो गाइस गोल्ड पेप्टाइड को हमें पूरे फेस पे इस तरह से अच्छे से इन्फ्यूज करना है, अच्छे से पेनिट्रेट करना है अपने डॉक्टर पेन के थ्रू। तो आप देख सकते हो मैंने सर्कुलर मोशंस किए, मैंने बैक एंड फोर्थ मोशन भी किया। तो इसे आप ईच एरिया पे 2 से 3 बार जो है रिपीट कर सकते हो। अब बिना गोल्ड पेप्टाइड वाइप किए हुए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ अपना बीबी एम्प्योल। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इनके लिए मैंने 2 शेड चूज़ किए हैं, तो यहाँ पर मैं 2 शेड्स यूज़ कर रही हूँ, एक है लाइट शेड और एक है थोड़ा पिंक शेड।
बीबी एम्प्यूल को हमें एट अ टाइम सिर्फ एक एक एरिया पर ही लगाना है। अगर आप इसे पूरे फेस पर लगा के छोड़ दोगे तो ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा, तो इसीलिए आप जिस एरिया पे वर्क करने वाले हो सिर्फ उसी एरिया पे बीबी ग्लो के ड्रॉप्स डालिए, उसे स्प्रेड कीजिए और उसके बाद उसके ऊपर डॉक्टर पेन को चलाइए। सेम जैसे हमने गोल्ड पेप्टाइड को इन्फ्यूज़ किया था उसी तरह से हम बीबी एम्प्यूल को भी इन्फ्यूज़ करेंगे अपने स्किन के अंदर। अब बिना बेबी बूस्टर को वाइप किए हुए हम इसके ऊपर डालेंगे एक विटामिन सी सीरम। इसके ऊपर आप कोई भी विटामिन सीरम्स डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्किन प्रॉब्लम। विटामिन ई सीरम डाल सकते हो, स्किन वाइटनिंग सीरम डाल सकते हो, जो भी क्लाइंट के स्किन का इशू है वो आप स्किन सीरम डाल सकते हो। आपको बीबी बूस्टर को पोछना नहीं है, उसके ऊपर ही सीरम को ऐड करना है और फिर इन दोनों को आपको बहुत हल्के हाथ से मसाज करके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है। सो यहाँ पर मैं बहुत ही लाइट हैंड से जो हमारा लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट था उसके साथ में सीरम को ऐड करके आपके स्किन के अंदर बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपने नोटिस किया होगा हमने पहले गोल्ड पेप्टाइड यूज़ किया अपने स्किन के ऊपर, उसके बाद हमने बीबी बूस्टर यूज़ किया और उसके ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं ये स्किन सीरम। यानी कि हमारे पोर्स के अंदर इतनी सारी अच्छी चीज़ें जो है वो इन्फ्यूज़ हो रही हैं, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे स्किन के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करती हैं, हमारे टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, हमारे एजिंग को कंट्रोल करती है और जो हमारी करंट स्किन प्रॉब्लम्स है उसे फेड आउट करने में हेल्प करती है। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा बीबी ट्रीटमेंट मशीन ट्रीटमेंट पूरी तरह से फिनिश होता है। हम इसे कंप्लीट करेंगे एक अच्छे से हाइड्रेटिंग फेशियल मास्क के साथ में, क्योंकि आपकी स्किन जो है अब बहुत सेंसिटिव हो गई है, इसीलिए उसे एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह के रबर मास्क लगा सकते हो या फिर शीट मास्क लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका जो शीट मास्क है वो कोई सिट्रिक एसिड का या फिर कोई ऐसा शीट मास्क ना हो जो कि इरिटेशन को और ज़्यादा बढ़ा दे। यू हैव टू यूज़ अ सिंपल एल्गे मास्क, एलोवेरा या फिर कोई भी अच्छा हाइड्रेटिंग मास्क या इस तरीके के रबर मास्क जो स्किन को सूद करे, उसे ठंडा रखे। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके क्लाइंट क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, उन्हें आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है। आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि 6 से 12 घंटे के लिए उन्हें उनकी स्किन जो है थोड़ी सी सेंसिटिव फील होगी। स्टार्टिंग में उन्हें उनकी स्किन जो है थोड़ी रेड दिखेगी, हो सकता है उसके बाद थोड़ी सी डार्क हो जाए, एंड आफ्टर 12 आवर्स दे विल सी द रियल ग्लो और द रियल इफ़ेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। इसीलिए 12 घंटे तक उन्हें कम से कम अवॉइड करना है कि उन्हें धूप में नहीं जाना है, उन्हें हीट के सामने नहीं जाना है, उन्हें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो या फिर पसीना आए। इससे उनकी जो स्किन है वो और इरिटेट हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन और बढ़ सकता है और उन्हें इचिंग भी हो सकती है। इन केस अगर उन्हें बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होता है या फिर इचिंग जैसा लगता है तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि वो ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करे या फिर आइस पैक लगाए। और ये सब होना बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्लाइंट को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी किसी केस में ये 6 घंटे के अंदर ही स्किन जो है वो सबसाइड हो जाती है, किसी को 12 घंटे लगते हैं, इसीलिए हम इसका नॉर्मली डाउन टाइम देते हैं 24 आवर्स का। यानी कि 24 आवर्स तक आपके स्किन में कुछ ऐसी चेंजेस आपको दिखेंगे जो अनएक्सेप्टेबल होंगे, जैसे कि मैंने बताया बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस या डार्कनेस। ये चीज़ें बहुत कॉमन है, तो आप अपने क्लाइंट को पहले से ही प्रिपेयर कर दीजिए ताकि वो ये ना समझे कि ये ट्रीटमेंट कराने के बाद वो काले हो गए या वो डार्क हो गए। ये प्रोसेस है इस ट्रीटमेंट का। डार्कनेस के बाद उनकी जो स्किन है वो पील होती है, जो विजिबल नहीं होती है, लेकिन फेस वॉश के दौरान वो डिसॉल्व होकर निकलती है और तब उनकी जो बेबी स्किन है या जो न्यू स्किन है, रेजुविनेटेड स्किन है, वो उभर के दिखती है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप आखिर का रिजल्ट ज़रूर देखिए, और जो मेरे क्लाइंट्स के ऊपर भी मैंने बीबी ट्रीटमेंट किया था उनके भी फ़ोटोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको और कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी मटीरियल्स यूज़ करते हो प्लीज़ उसे अच्छी तरीके से डिस्पोज कीजिए, क्योंकि इसमें हम नीडल्स यूज़ कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन किसी और को पास ऑन हो। तो जब भी आप सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं प्लीज़ उसका कैप लगा के उसे डिस्पोज कीजिए। अगर आपने स्कैल्पल या फिर ब्लेड यूज़ किया है तो उसे टिश्यू पेपर में रैप करके डिस्पोज कीजिए इन सारी चीज़ों को जो है। और ये नैनो नीडल्स जो है ये भी एक तरीके के नीडल्स है, तो इन सब चीज़ों को आप अपने यूज़ किए हुए ग्लव्स के अंदर डाल के रैप अप करके आप थ्रो कीजिए ताकि किसी को भी इसका इन्फेक्शन ना लगे। और हर नए क्लाइंट्स के लिए हर नई चीज़ यूज़ कीजिए, एक क्लाइंट की नीडल्स या एक क्लाइंट के ऊपर यूज़ की हुई चीज़ें दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो गाइज़ फाइनली अभी मास्क रिमूव करने का टाइम है, मैं इनका मास्क रिमूव करती हूँ आपके सामने और आप देख सकते हैं कि इनके स्किन में जो है कितना डिफरेंस आया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वेल, स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रही है, बहुत ही फ्रेश लग रही है, ग्लो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कैमरा वैसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है जितनी ब्यूटीफुल इनकी स्किन सामने से लग रही है। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इनका ग्लो कैसा लगा। और हाँ, क्लाइंट को घर भेजने से पहले उन्हें सनस्क्रीन लगाकर ज़रूर भेजिए। सनस्क्रीन वाइट कास्टिंग होना चाहिए, यानी कि 60 SPF या उसके ऊपर का होना चाहिए। और आपको क्लाइंट को भी यही रेकमेंड करना है कि वो कंटिन्यूस जो है सनस्क्रीन यूज़ करे, इवन अगर वो इंडोर है तो भी, एज वेल एज़ उन्हें मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र उन्हें हर 3 घंटे या 2 घंटे में यूज़ करना है, उन्हें अपनी स्किन को ज़्यादा डिहाइड्रेट या फिर ड्राई होने नहीं देना है। तो आप उन्हें बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और बहुत ही अच्छा सा सनस्क्रीन सजेस्ट कीजिए। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने जितना हो सके डिटेल डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए। Thank you and see you next time.